2009 में रिलीज हुई एक्शन फैंटेसी मूवी मगधरा, जहां 400 साल पुरानी कहानी को दर्शाया गया था। कहानी के मुख्य अभिनेता के रूप में मेगा पावर स्टार रामचरण और मुख्य अभिनेत्री के रूप में काजल अग्रवाल नजर आई थी। और इस फिल्म को और कोई नहीं बल्कि इंडिया के विजनरी डायरेक्टर एसएस राजामौली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि 2009 की सबसे मेगा बजट की मूवी बनने वाली एकमात्र ये फिल्म था, जिसको बनाने में 40 करोड़ का खर्च आया था। 40 करोड़ की बजट की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। ये मूवी 2009 में ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी थी और थिएटर में लगातार 1000 दिनों तक मगधरा चलती रही और एक नया रिकॉर्ड बनाया। और अब जाकर इस मूवी की सीक्वल के बारे में बहुत सारी खबरें आ रहा है। बताया जा रहा है कि मगधरा 2 जल्दी आने वाला है, जहां मेगा पावर रामचरण और काजल अग्रवाल दिखाई देंगी। मगधरा मूवी में जिस तरीके का एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला, उससे भी कई ज्यादा बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस और विजुअल हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। बात करें मगधरा 2 मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो ऑफिशियल की तरफ से अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्दी कंफर्म होने वाला है। वैसे आप कितने एक्साइटेड हो मगधरा 2 मूवी को लेकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।